नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया भर की अलग अलग देशों की जानकारी और सैर कराते हैं। आज हम लेकर चलेंगे आपको नीदरलैंड के सफर पर। दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप का एक खूबसूरत देश है, जो अपने ट्यूलिप, फूलों की खेत, वायु चक्की और समृद्ध संस्कृतियों के धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल करीब लगभग 41,543 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे आकार में एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश बनाता है। इसे हम पोलैंड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ध्यान दें कि यह पोलैंड सिर्फ नीदरलैंड्स के दो प्रमुख प्रांतों का भी नाम है। दोस्तों, नीदरलैंड की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। यह देश घनी आबादी वाला है, लेकिन यहाँ की योजना और बुनियादी ढांचा बेहतर शानदार है। इस देश की बड़ी आबादी समुद्र के स्तर से नीचे रहने के बावजूद भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि यहाँ के बांध और जल प्रबंधन तकनीकें दुनिया के सबसे बेहतरीन मानी जाती है। दोस्तों, नीदरलैंड की संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। यहाँ की कला, संगीत और स्थापत्य कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विंसेंट वैन गॉग और रेम्ब्रांट जैसे महान चित्रकार भी यहीं से हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में किंग्स डे और फूलों की परेड जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग खुले विचारों वाले और समाजवादी हैं। साइकिल चलाना नीदरलैंड की संस्कृति का अहम हिस्सा है, और यहाँ का साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे बेहतरीन में से एक है। दोस्तों, नीदरलैंड का खान पान भी यहाँ की संस्कृति अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के कुछ प्रमुख व्यंजन है स्ट्रूफ वाल्स, या एक पतला और कुरकुरा वाफल होता है जिसके बीच में कारमेल की भरवन होती है। इसे गर्म चाय या कॉफी के साथ खाया जाता है। दोस्तों, हरिंग, यह एक प्रकार की कच्ची मछली होती है जिसे प्याज और अचार के साथ खाया जाता है। दोस्तों, अगला नाम आता है कास फूड का। नीदरलैंड अपने विभिन्न प्रकार के चीज के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से गौडा और एडम यहाँ की चीज का सबसे प्रसिद्ध प्रकार है। दोस्तों, अब बात करते हैं नीदरलैंड के कुछ प्रमुख शहरों की। एस्टरडम, रोटरडैम, द हेग, यूक्रेट जैसे शहर इस शहर के टॉप शहरों में आते हैं। दोस्तों, एस्टरडम, जैसा कि हमने पहले बताया, नीदरलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का नाइट लाइफ, कला संग्रहालय और अद्वितीय नारे इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। रोटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे आधुनिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह शहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है। द हेग, यह नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है। यह शहर अपने मध्यकालीन वास्तुकला और खूबसूरत नहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह नीदरलैंड का सबसे पुराना शहर जाना जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ के टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो उसमें पहला नाम आता है एमस्टरडम का। एमस्टरडम नीदरलैंड की राजधानी और सबसे प्रसिद्ध शहर। यहाँ की नहरें, संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतें आपके देखने लायक है, विशेष रूप से वीनस वैन गॉन म्यूजियम और रिजक म्यूजियम कला प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। क्यूकोहोफ गार्डन, यह विश्व के सबसे बड़े फूलों के बगीचों में से एक है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में ट्यूलिप फूल खिलते हैं। इसे यूरोप का गार्डन भी कहा जाता है। किनरडाइक, यह स्थान नीदरलैंड की विलियम्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पुरानी विलियम्स नीदरलैंड की जल प्रबंधन को दर्शाती है। जॉन सासे, यह एक ओपन एयर संग्रहालय है, जहाँ आपको दुनिया की डच वायु चक्कियों, लकड़ी, जूतों और स्थानीय कारागिरी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको कैसा लगा यह देश और यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।